आज हम बात करने जा रहे हैं मुगल एम्पायर की ऊपर, जो ताज डिवाइडेड बाय ब्लड के नाम पे Z5 में 10 एपिसोड के साथ वेब सीरीज आ रहा है। ये सीरीज 3 मार्च Z5 में स्ट्रीमिंग होंगे। अकबर के कैरेक्टर में नासिरुद्दीन शाह है। नासिरुद्दीन शाह मतलब अकबर लाइफ में जितने भी जंग जीत चुका है, इन सब जंग में 3 बेटों का अवदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। बट इन 3 बेटों के बीच कौन राजमुकुट पहनेगा, कौन शहंशाह बनेगा, ये लेकर भाई और भाई के बीच एक दीवार पैदा हो जाता है। अब ये दीवार कैसे टूटता है, यही देखना सीरीज का मेन टॉपिक है। बट सीरीज में बहुत ही अच्छे तरीके से नासिरुद्दीन शाह का कैरेक्टर और 3 बेटों का कैरेक्टर को दिखाएगा। हर कैरेक्टर का एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं इस ट्रेलर की ऊपर, जो ट्रेलर कुछ दिन पहले Z5 के यूट्यूब चैनल में ये ट्रेलर रिलीज किया। देखो, मुगल एम्पायर में लड़कीबाजी तो है ही, तो लड़कीबाजी है मतलब रोमांस रहेगा और रोमांस के साथ कुछ वल्गैरिटी सीन भी रहेगा। तो मैं आप लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ ये सीरीज आप फैमिली के साथ मत देखो। अकेला देखोगे तो वही मजा आएगा, या तो फैमिली के साथ देखोगे तो वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेलर में कुछ सेक्सी सीन दिखा दिया। अब कास्ट को लेकर थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो, इस सीरीज में धर्मेंद्र है, नासिरुद्दीन शाह, राहुल बोस भी, और भी बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर है। बट गाइस, ट्रेलर देख के सच कह रहा हूँ, मेरे को कुछ अच्छा लगा, क्योंकि ट्रेलर में एक थ्रिलिंग पॉइंट है जो देख के पब्लिक इस सीरीज को देखेगा, क्योंकि ट्रेलर में वो चीज मुझे नजर आई। अब देखो, हर किसी का नजर कुछ अलग होते, बट ट्रेलर देख के अच्छा लगा। अब ये सीरीज 3 मार्च Z5 में स्ट्रीमिंग होंगी, तो वेट करना तो पड़ेगा। तो मेरे साथ आप लोग भी थोड़ा सा वेट कर लेना। अगर आप लोग के पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है तो आप लोग इस सीरीज को आराम से देख पाओगे। सो बॉस, मेरा राय यही है, शायद ये सीरीज कुछ अच्छे होने जा रहे और हम लोगों को मुगल एम्पायर की और भी डीप इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सो बॉस, बहुत दिन के बाद नासिरुद्दीन शाह का कमबैक, वो भी एक तगड़े कैरेक्टर में, अकबर की कैरेक्टर। अबे अकबर का कैरेक्टर इंडिया का हर बच्चा जानता है। सो ट्रेलर देख के आप लोगों को कैसा लगा, मेरे को कमेंट करके बोलना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज बॉस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय राम जी की।